दुल्हनियाँ ले जाएंगे। मैं रोटेरियन दिनेश बदानी, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ पटना सिटी सम्राट की तरफ से आप सभी नगरवासियों का छठ पूजा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से ये अपील करता हूं कि इस कोरोना को देखते हुए कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी नगरवासी पटना सिटी बिहार पूरे भारतवर्ष के सभी साथियों भाइयों बहनों को छठ की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पटना सिटी सम्राट छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को शुभकामना देता हूँ और अपील करता हूँ कि सभी लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस पर्व को आनंदपूर्वक मनाएं। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम उम्र के लोग, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम युवा, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हमारे बीच उनसे बात करते हैं। गुड़िया, बताओ, दिवाली मिलन समारोह मना रही हो, रोटी पटना सिटी सम्राट के द्वारा किया जा रहा है, कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली मिलन मनाने आए हैं, खुशी का त्यौहार है ये, लाइट्स का त्यौहार है, बहुत अच्छा लग रहा है। महसूस अच्छा हो रहा है कि काफी दिन घर में बंद रहे उसके बाद एक मौका मिल रहा है सबसे मिलने का। बहुत कोरोना के बाद हो रहा है ये त्यौहार, तो कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना भारी पड़ रहा है या एंजॉय या दिवाली? दोनों बराबर है। कोरोना का हमें सावधानी भी बरतना है और इंजॉय भी करना है क्योंकि दिवाली है और इतने महीने बाद सबसे मिल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। लोगों को क्या कुछ मैसेज दोगे? हैव अ सेफ दिवाली, सबसे मिलिए लेकिन कीप अ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और दिवाली को अच्छे से मनाइए। ज्यादा क्रैकर्स मत फोड़े बिकॉज एयर पॉल्यूशन होता है उससे बहुत, जिसे हमें हानिकारक पहुंच सकता है। थैंक यू। कोरोना महामारी के बाद पहली बार तमाम रोटरी ने एक छत के नीचे मिल रहे हैं, कुछ युवा हमारे बीच है, आइए हम उन युवाओं से बात करते हैं। दीपोत्सव का ये कार्यक्रम है, किस तरह से ये कार्यक्रम मना रहे हैं ये हम बात कराते हैं आपको। मैडम ये बताइए, दीपों का त्यौहार दिवाली आप लोग मना रहे हैं एक छत के नीचे, 6 से 7 महीने के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से लोगों के बीच मिल रहे हैं, अपने लोगों के बीच मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ मना रहे हैं? काफी नॉस्टैल्जिक है, काफी दिनों के बाद हमें ऐसा गेट टुगेदर मिल रहा है। काफी दिनों हम लोग बिल्कुल पैक्ड अप हो गए थे, कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट हो गया था हमारे घर का और अभी ऐसा एक गेट टुगेदर मिला है तो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं?
थोड़ा रिजुविनेटिंग सा लग रहा है, फ्रेश एयर, चेंज ऑफ एयर लग रहा है, काफी दिनों से पैक्ड घर में, तो अभी काफी अच्छा लग रहा है। दिवाली मिलन में वापस आए लोग खुशियों के त्योहार में, तो एंजॉय में कहीं भारी तो कोरोना नहीं ना पड़ रहा है? एंजॉय में सब आदमी अपना प्रिकॉशंस लेके कर रहे हैं, तो इट्स वेल एंड फाइन। तमाम तरह के लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से एंजॉयमेंट किया जा रहा है, कोरोना पे एंजॉय भारी पड़ रहा है, कोरोना में दिवाली का त्यौहार भारी पड़ रहा है, तो कोरोना को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं, उन तमाम दिशा निर्देशों के साथ साथ पालन करते हुए आज हम लोग दिवाली मिलन समारोह मना रहे हैं। नमस्कार, मैं रोटेरियन उत्कर्ष, रोटरी पटना सिटी सम्राट की तरफ से हमारे सभी पटना वासियों को, बिहार वासियों को छठ, भैया दूज और दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस कोरोना काल में हम सभी को अपने पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के साथ इन त्योहारों को मनाना है। मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं सचिन कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी रोटी पटना सिटी सम्राट, छठ पूजा के अवसर पर सभी नगर वासियों, बिहार पटना सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोटेरियन अभिषेक राज, पटना सिटी रोटरी सम्राट की तरफ से पूरे पटना वासियों को दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में बहुत ही प्रिकॉशन और बहुत सावधानियों के साथ अपना पर्व मनाएं और बहुत खुशियों के साथ अपना पर्व मनाएं, धन्यवाद। हमारे बीच और कुछ महिलाएं हैं, युवा हैं, आइए उनसे हम बात कराते हैं कि ये दीपों का त्यौहार, दीपो उत्सव में किस तरह का एंजॉय, किस तरह का माहौल है और क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मैडम, दीपों का त्यौहार, दीप उत्सव मनाया जा रहा है रोटी पटना सिटी सम्राट के द्वारा, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? कोरोना महामारी के बाद पहली बार एक लोगों से मिल रहे होंगे, कैसा मन लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज जो सबसे अच्छी लगी मुझे कि कोरोना COVID-19 के सारे प्रिकॉशंस के साथ इस त्योहार को, इस दीपोत्सव को मनाया जा रहा है, जो कि बहुत जगह हमें देखने को नहीं मिलती, और हर एक इंसान यहाँ पे खुशी से इस त्योहार को मना रहा है, दीपोत्सव मना रहा है। और आप सभी को भी रोटरी परिवार की तरफ से दीपोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। एंजॉय कर रही हैं हम लोग यहाँ, गाना बजाना, दिए जलाना और खूब सारी मस्ती करके, और हाँ, टेस्टी टेस्टी खाने खाके भी हम लोग एंजॉय कर। और आप सभी लोगों को रोटरी की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा लोग जो कि बता रहे थे किस तरह से रोटी पटना सिटी सम्राट दीपावली का त्योहार दीपोत्सव मना रही है, लोगों के बीच मना रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित कत्री, सौर भारत, न्यूज पटना।